नमस्कार, मैं रामकिशन माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकृष्णनाथ गौतम महाविद्यालय झालावाड़। आज के इस ई कंटेंट में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय चरण भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का जो द्वितीय कालखंड, जिसे सभी विद्वानों ने एक मत होकर के भक्ति काल के नाम से विभूषित किया है, इसके नामकरण को लेकर के किसी भी प्रकार का मत भेद विद्वानों और साहित्यकारों में, इतिहासकारों में नहीं रहा है, क्योंकि इस युग की विशेष प्रवृत्ति में सबसे पहले शामिल होती है भक्ति भावना। जब बाहरी आतताइयों से, विदेशी आक्रांताओं से और स्थानीय जो शासक थे उनके आपसी मतभेदों से परेशान होकर के जब जनता पर शोषण, हत्याचार, लूटपाट जैसी घटनाएं होने लगी, तो अंततः सभी को एकमात्र ईश्वर की शरण में ही परम शांति, सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ। इस परम शांति का स्थान ईश्वर को मानने के बाद ईश्वर को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में भक्ति को अपनाया गया। परिणाम स्वरूप इस कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना गया। भक्ति काल में भी ईश्वर के अवतार, ईश्वर की उपासना को लेकर के जो संत, भक्त, कवि आदि हुए हैं, उनमें मूलभूत अंतर न होकर के भी एक बाह्य अंतर दिखाई दिया, अर्थात उपासना पद्धति और अवतारवाद को लेकर के तत्कालीन भक्तों के मध्य दो प्रकार की विचारधाराएं बह निकली। एक विचारधारा या एक वर्ग ऐसा था जो ईश्वर के साकार रूप की उपासना में विश्वास करता था, तो दूसरा वर्ग या दूसरी विचारधारा ऐसी थी जो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना में विश्वास करते थे। पहली जो विचारधारा थी, जो ईश्वर के साकार रूप को मानती थी, उसके अनुयायियों को सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि ईश्वर के निराकार रूप को मानने वाले जो भक्त कवि हुए हैं, जो अनुयायी हुए हैं, उनको निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा ईश्वर के निर्गुण, निराकार, घटघटवासी, प्रकृति के कणकण में व्याप्त इस आधार को लेकर के चलती है, अर्थात निर्गुण काव्यधारा के अनुयायियों का मत है कि ईश्वर रूप, रंग, शकल, सूरत आदि से दूर रहता है, अर्थात ईश्वर का न कोई रंग होता है, न कोई रूप, न कोई सूरत, न कोई आकार, न कोई शक्ल होती है। ईश्वर तो कणकण में व्याप्त हैं, वह पहाड़ों में भी विद्यमान हैं, तो नदियों की धाराओं के बीच में भी बहता हुआ दृश्यमान होता है, वह चींटी जैसे सूक्ष्म जीव में भी विद्यमान है, तो बड़े से बड़े गज जैसे विशाल काय जीवधारी में भी ईश्वर का ही निवास स्थान है। अतः प्रकृति के कणकण में ईश्वर का निवास स्थान मानने वाले, बिना रंग रूप आकार का मानने वाले जितने भी अनुयायी हुए हैं, जितने भी भक्त कवि हुए हैं, वह निर्गुण काव्यधारा में शामिल किए जाते हैं। निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक या विचारधारा के आधार स्तंभ के रूप में कबीर का नाम लिया जाता है, जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की कल्पना की थी। इसी प्रकार से सगुण काव्यधारा की बात करें तो ईश्वर के अवतार को लेकर के, उसके साकार रूप की परिकल्पना करके जो अनुयायी आगे बढ़े, जिन्होंने अपने संतों को, भक्तों को, अनुयायियों को दिशा प्रदान की, वह सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। हम बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा की, तो निर्गुण काव्यधारा भी आगे जा कर के ईश्वर को प्राप्ति का आधार या माध्यम को ले पाने का माध्यम, ईश्वर को पाने का माध्यम को लेकर के दो भागों में बढ़ जाती है। कुछ निर्गुण काव्यधारा के अनुयायी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा और साधारण सा तरीका है प्रेम। प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया
जा सकता है। तो कुछ जो ज्ञान योगी थे, जो योग साधना में विश्वास करते थे, जो ईश्वर के सूक्ष्म रूप की परिकल्पना किया करते थे, वह ईश्वर को पाने का आधार ज्ञान को मानते थे। और इसी आधार पे ज्ञान और प्रेम के दो बिंदुओं के आधार पे निर्गुण काव्य धारा दो भागों में बढ़ जाती है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के अनुयायी ज्ञान को अर्थात शास्त्रीय और आत्मिक ज्ञान के आधार पर ईश्वर को पाने का रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि और संत और भक्त प्रेम के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय सुझाते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि या प्रवर्तक कवि की बात की जाए तो इसके अंतर्गत सबसे ऊपर नाम आता है कबीर का। कबीर ने ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम ज्ञान को ही माना और उन्होंने बताया कि ज्ञान के द्वारा अर्थात ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से परिचय पाने के लिए हमें ज्ञान की परम आवश्यकता है। ज्ञान के द्वारा ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो ईश्वर निर्गुण निराकार बिना देखा परखा अदृश्य है, उसे आसानी से ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर कहीं नहीं, ईश्वर हमारे हृदय के अंदर ही विद्यमान रहता है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम लिया जाता है, जो कि प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका प्रेम को माना। उन्होंने कहा कि प्रेम के द्वारा ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका प्रेम है। आत्मा और परमात्मा के मध्य प्रेम एक ऐसा बिंदु है जिसके द्वारा ईश्वर का मिलन आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि निर्गुण काव्य धारा भी आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के अनुयायियों को सूफी काव्य धारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भक्ति काल की जो धारा बही थी वह आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी आगे जा करके दो भागों में बढ़ जाती हैं, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति की जो रूपरेखा थी वह धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं और अंत तो गत्वा विभिन्न मार्गों से होती हुई अंत में उसी परम पिता परमेश्वर के चरणों में अंतर्निहित हो जाती हैं। तो आज हमने यहाँ पर भक्ति की शाखाओं के बारे में और विशेष रूप से निर्गुण काव्य धारा के बारे में चर्चा की। आगे की चर्चा हम अगले एक कंटेंट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।